अलग अलग मंदिर और उनकी मान्यताओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी परंपराएं अनोखी है। जी हाँ, नवरात्र में जहाँ एक ओर लोग मांस और मदिरा के सेवन से बचते हैं, वहीं उज्जैन के एक ऐसा मंदिर है जहाँ माता को मदिरा चढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में शराब ही बांटी जाती है। मान्यता है कि उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य लोक कल्याण और राज्य की प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए नगर पूजा करते थे, तभी से नगर की सीमाओं पर स्थित इन देवी मंदिरों में पूजा की ये परंपरा चली आ रही है। महाअष्टमी के अवसर पर लोक कल्याण के साथ सुख समृद्धि के लिए आज 24 खंबा माता मंदिर में नगर पूजा का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत शासकीय पूजन के साथ होती है, जिसमें खुद कलेक्टर ने मां महामाया को मदिरा का भोग लगाया। तो राजा विक्रमादित्य के समय से ही उज्जैन की परंपरा में ये शामिल है कि महाअष्टमी के दिन यहाँ पर 24 खंबा माता से मदिरा चढ़ाकर यात्रा की शुरुआत होती है, पूजा की शुरुआत होती है और पूरे शहर भर में मदिरा की ढाल लगाई जाती है। अलग अलग मंदिरों में जाया जाता है, गढ़कालिका से इस पूजा को संपन्न किया जाता है। बहुत सौभाग्य की बात है, इस साल पुनः मुझे इस पूजा में भाग लेने का अवसर मिला और 24 खंबा माता से इसकी शुरुआत करी गई। निश्चित रूप से सभी प्रकार की विपत्तियां, सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार की दुर्घटनाएं और अशुभ को टालने के लिए इस पूजा का विशेष महत्व है उज्जैन की परंपरा और इतिहास में, और उसी का पालन आज मेरे द्वारा किया गया। ढोल धमाकों के साथ नगर के 40 देवी देवताओं और भैरव मंदिरों में शराब की धार चढ़ाते हुए नगर पूजन यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान तांबे के कलश में मदिरा लेकर एक सेवक चल समारोह के आगे चलता है, जिससे मदिरा की धार लगातार जारी रहती है। नगर पूजा के दौरान 27 किलोमीटर की मदिरा की धार लगाई जाती है। सालों से चली आ रही इस रीत के बारे में पंडित जी ने भी बताया। विक्रमादित्य के टाइम से नगर पूजा दी जाती है, जो शहर की सुख शांति के लिए पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, अब खाली मदिरा का पान किया जाता है। यह 27 किलोमीटर की नगर यात्रा है, जिसको करीबन 9 बजे तक ये समाप्त होगी। ये पहले राजा विक्रमादित्य के टाइम से दी जाती थी, अब जो यहाँ का राजा कलेक्टर होता है उसके टाइम से, उसके माध्यम से दी जाती है। ये पूजा बिल्कुल सरकारी है। और बता दे कि मंदिर के अंदर 24 काले पत्थरों के खंबे हैं, इसलिए इसे 24 खंबा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये उज्जैन नगर में प्रवेश करने का प्राचीन द्वार हुआ करता था। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध उज्जैन या प्राचीन अवंतिका के चारों द्वार पर भैरव और देवी विराजित है, जो आपदा विपदा से नगर की रक्षा करते हैं। 24 खंबा माता भी उनमें से एक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।